प्रतिष्ठित शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर है। करीब 4 महीने से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को वेतन नहीं मिला है। डॉक्टरों का कहना है कि वेतन भुगतान को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से बार बार आग्रह किया गया, लेकिन अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि हड़ताल के बावजूद डॉक्टर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। धनबाद से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद निर्मल महतो मेमोरियल अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर है। करीब 4 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है और डॉक्टरों का कहना है कि वेतन भुगतान को लेकर बार बार सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई, बावजूद इसके इनकी तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद ये हड़ताल पर है। हालांकि हड़ताल के बावजूद डॉक्टर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। हम लोगों का 3-4 महीने से सैलरी बंद है। जो भी बेसिक एमिनिटीज है, जो भी बेसिक चीजें हैं, उन सब में परेशानी हो रही है। पहली बात, हम लोगों को यहाँ कोई एकोमोडेशन मिला नहीं है। हम लोग अप डाउन करते हैं, कोई लोग ऑटो से आता है, कोई अपनी कार से आता है, अपना ट्रांसपोर्टेशन है, सबका चार्ज बियर करना है, खुद ही बियर करना है, रेंट का भी चार्ज बियर करना है। हम लोग अपनी फैमिली को देखते हैं, सबका फैमिली है, बहुत कोई मैरिड हैं, बस कुछ लोग ही हैं जो अनमैरिड हैं। फैमिली के एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी भी फैमिली होगी, नॉर्मल जो भी ऑर्डिनरी पीपल है सबकी फैमिली है, सबका एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। कितना डिफिकल्ट होता है, हर चीज़ इतना एक्सपेंसिव है। एक तो हम लोग वैसे ही अंडर पेड है, हमारी सैलरी वैसे ही इतनी ज़्यादा नहीं है, ऊपर से सैलरी भी नहीं आ रही है।